एक्टिंग के लिए, एक्टिंग के ब्रशअप के लिए दिलीप, मैं समझता हूँ थिएटर से अच्छा कोई फील्ड नहीं है। कोई मीडियम, आई अगर एग्री। आप फिल्म कर रहे हो जरूर करिए, टेलीविजन कर रहे हो जरूर करिए, वेब सीरीज एक एक आ गया है समझो इस पीरियड का जी हमारे, वेब सीरीज आप करिए जरूर करिए, लेकिन थिएटर को नहीं भूल। प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप टेकवानी और वेलकम टू माय एपिसोड 3 ऑफ द पॉडकास्ट ऑफ डीटी शो। और आज मैं आपके साथ लाया हूं इकबाल नियाजी को, जो उर्दू के काफ़ी बड़े थिएटर पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, उन्होंने खुद अपनी बुक्स लिखी हैं। रिसेंटली उन्होंने काफ़ी बड़ा शो किया था कैफी आजमी के पोइम्स के ऊपर। काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी पर्सनैलिटी हैं। 40 साल से ज़्यादा वो थिएटर कर रहे हैं और बुक्स भी लिख रहे हैं, ऑलरेडी 3-4 बुक्स लिख चुके हैं। तो हम आप उनका अभी इंटरव्यू लेंगे और हम देखेंगे कि जो अभी पेंडेमिक है और ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उस पर उनकी क्या राय है। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय डीटी शो पॉडकास्ट एपिसोड 3। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जो इकबाल नियाजी सर हैं वो बहुत बहुत पुराने एकदम दिग्गज हैं थिएटर थिएटर में, स्पेशली उर्दू के थिएटर में। इनफैक्ट उन्होंने इतने सारी चीज़ें की हैं अपनी अपनी ये थिएटर के लाइफ में, जैसे वो 40 साल से थिएटर कर रहे हैं और 200 से ऊपर प्रोडक्शंस किए हैं और 4000 से भी ज़्यादा शोज किए हैं और 2 टाइम नेशनल अवार्ड विनर है वो, 85 अवार्ड से उनको नवाजा गया है और 6 बुक्स लिखी है उन्होंने। अभी रिसेंटली मंटो के ऊपर वेब सीरीज भी बना रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, राइट सर? यस, राइट राइट राइट। बढ़िया, एकदम बढ़िया है सर। तो सर, मैं आपसे ये इंटरव्यू में सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कुछ मेन बातें जो मेरे मुझे काफी टाइम से मेरे क्वेश्चन थे थिएटर के ऊपर और इसलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि अभी जितना मैंने आपका फेसबुक पे, मैं आपको इंस्टाग्राम में जितना भी थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, मैंने देखा अभी रिसेंटली एक शो किया था कैफी आजमी सर के पोएम्स के ऊपर, बॉम्बे के बाहर, मुंबई के बाहर किया था। तो कैसा एक्सपीरियंस था सर? कहाँ पे किया था सर? आजमगढ़ में किया था हमने, यूपी में, आजमगढ़। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस था सर? वो कैसे आपका ये इनिशिएट कैसे हुआ ये पूरा प्रोसेस? हाँ, मैं ये एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ कि ये दास्तान गोई का फॉर्म एक है, थिएटर का एक फॉर्म है दास्तान गोई। तो हमने दास्तान गोई में के फॉर्म में ये प्ले किया था जी, कैफी आजमी पे। तो ये हमने थोड़ा इसमें एक एक्सपेरिमेंट ये किया दिलीप, कि हमने इसको म्यूजिकल दास्तान गोई बना दिया। ओके, मतलब उसमें कैफी आजमी के दास्तान गोई के साथ साथ म्यूजिकल कैफी आजमी के सॉन्ग्स भी डाल दिए, उनकी कविताएं भी डाल दी और कुछ डांसेस डाल दिए उनके सॉन्ग के ऊपर। तो ऐसा पूरा पैकेज, एक इंटरटेनिंग पैकेज बन गया था वो। तो उसको इस तरह से हमने शो पूरा ये बनाया आजमगढ़ में, तकरीबन 2.5-3 घंटे का ये शो था। तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया और दिलीप तुमको सुनकर हैरत होगी कि 3000 से ज्यादा लोग वहां पे जमा थे शो में। 3000, एक बड़े से ह्यूज, हाँ ह्यूज ग्राउंड था, उस ग्राउंड में ये शो था, ओपन स्पेस में बड़ा सा स्टेज बना हुआ था और सारे लोग, मतलब जितने लोग कैफी आजमी के चाहने वाले आजमगढ़ में, चूंकि उनका वतन ही था कैफी आजमी का, तो वहां किया था हमने। तो लोग दूर दूर से देखने आए थे कि बॉम्बे की टीम आई है, तो उनको मतलब मायूसी नहीं हुई बहुत, यानी लास्ट शो खत्म होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन था और लोग, और ऑडियो विजुअल साइड में एक ऑडियो विजुअल चलता था जिसमें कैफी साहब के कुछ फोटोज, शबाना आजमी के, जावेद अख्तर साहब का मैसेज आया था, डिजिटल मैसेज जावेद अख्तर का, शबाना आजमी का, वो बताया जा रहा था। तो ये टोटल एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा दिलीप। ये हमने, हमारे लिए ये नया नहीं था, हमने असल में इस पर पहले भी लखनऊ में दास्तान नजीर किया था हमने इसी फॉर्म में, नजीर अकबर आबादी की कविताओं को लेके। तो उन कविताओं को कुलदीप सिंह, जो मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उन्होंने उसको कंपोज किया था। तो वो भी इसी फॉर्म में हमने दास्तान नजीर लखनऊ में किया था, तो उसको भी बहुत ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला था। लोग बहुत जबरदस्त लखनऊ में नजीर को लेकर इतने एक्साइटेड थे। तो वो भी इसी फॉर्म में था और फिर हमने इसी फॉर्म में मजरू सुल्तानपुरी के सॉन्ग्स को और उनकी कविताओं को लेकर भी किया है, मजाज लखनवी को किया है, फैज अहमद फैज पे किया है
और कबीर पर करने जा रहे हैं हम दास्तानी कबीर के टाइटल से। तो हमको ये एक नया फॉर्म जो दास्तान गोई का थिएटर में आया है दिलीप, हम उसको लेकर चल रहे हैं फिलहाल, तो कि ये मॉडर्न, एक्चुअली ये एक मॉडर्न फॉर्म है थिएटर का दास्तान गोई, जिसमें दो एक्टर बैठ के पूरी दास्तान सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं और किस्सा पूरा सुनाते हैं किसी एक शख्स के बारे में, किसी एक पर्सनैलिटी के बारे में। तो ये हमने इसको आजकल अपनाया है, और क्योंकि क्या होता है तुम समझ रहे हो कि आजकल एक्टर्स का मिलना कितना मुश्किल होता है, कि सारे एक्टर्स जो है वो फिल्मी स्ट्रगल में लगे हुए हैं, तो एक टीम, बड़ी सी टीम को खड़े करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने सोचा कि दो आर्टिस्टों में ये दास्तान गोई एक में भी हो जाती है। बहुत सारे ग्रुप तो एक दास्तान गो रख लेते हैं, एक एक्टर जो पूरी दास्तान सुनाता है, लेकिन हमने दो रखा है, एक मेल एक फीमेल। तो ये अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, और हमने सोच लिया है कि आगे चलकर हम बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं फिल्म की, थिएटर की और सोशल मीडिया की, तो ऐसी पर्सनैलिटीज को लेके, लिटरेचर की, तो उन पर्सनैलिटीज को लेके हम इसी फॉर्म में अब आगे प्ले करेंगे। तो ये जो आजमगढ़ का शो था एक्चुअली दास्तानी कैफी उसी सिलसिले की एक कड़ी था, जो हमको करके बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो कैफी आजमी का ही शहर है, और उनके शहर में जाकर एक प्ले करना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, और वो भी इतने बड़े ह्यूज क्राउड के सामने। तो ये तो बहुत हमारे लिए बहुत फख्र की बात थी, बहुत ही प्राउड मोमेंट था वो। Absolutely. मतलब जो आपका ये फॉर्मेट है, क्या ये एक ऑटोबायोग्राफी जैसा फॉर्मेट है कि जो उनकी राइटिंग है पर्टिकुलर उनकी राइटिंग की बताई जाती है, जो उनके राइटिंग्स है? नहीं 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 दिलीप, इसमें क्या होता है कि ऑटोबायोग्राफी जैसा फॉर्मेट है ये, इसमें उनके बारे में तो बताया जाता है उनके बारे में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स जो होते हैं, तो बहुत दिलचस्प ऐसे जो हादसे गुजरे हैं उनकी लाइफ में, उसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में ड्रामेटिकली पेश करते हैं। दो दास्तान को जो होते हैं तो उसको इनेक्ट करते हैं, एक तरह से बैठे बैठे अपनी जगह पे इनेक्ट करते हैं, और इंटरेस्टिंग वाकयात जो है उस पर्सनैलिटी के बारे में वो सुनाए जाते हैं, और उनकी बीच बीच में ऑटोबायोग्राफी भी बताते हैं, फिर बीच बीच में उनकी कविताएं पढ़ने के लिए कुछ एक्टर भी स्टेज पे आ जाते हैं, फिर कुछ इसका ऑडियो विजुअल पे भी उनको बता देते हैं जो पर्सनैलिटी है। तो ऐसा एक पूरा एक फॉर्मेट है जो हमारा इजाद किया हुआ है, हमने इन्वेंट किया है दास्तान गोई। एक्चुअली जो एक फॉर्म आजकल चल रहा है वो तो ये है कि दो एक्टर बैठे हैं स्टेज पे और वो सुना रहे हैं दास्तान, लेकिन हमने उसमें म्यूजिक, ऑडियो विजुअल, डांस, ये सारा थिएटर, जो टोटल थिएटर की चीजें हैं उसको शामिल कर लिया है, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने की एक प्रेजेंटेशन, एक स्टेज प्रेजेंटेशन की कोशिश की है, जो लोगों को पसंद आ रहा है बहुत। वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। ये बहुत ही अलग जैसा फॉर्मेट जैसा आपने बताया। yes. और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा सर, कि इन द लास्ट 40 इयर्स आपको क्या लगता है कि थिएटर में क्या चेंजेस हुए हैं स्पेशली, मतलब अगर एक शॉर्ट में आप मुझे समरी बता पाएंगे कि क्या चेंजेस हुए होंगे? यस यस, 40 इयर्स पहले जब हमने थिएटर करना शुरू किया था ना दिलीप जी, मैंने जब हम कॉलेज में थे, हम इंटर कॉलेज से आए हैं, मैं भी इंटर कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ, तो हम जब इंटर कॉलेज पे प्ले करते थे तो उस वक्त जो है एक अलग फॉर्म था थिएटर का, एक अलग स्टाइल था, ज्यादातर रियलिस्टिक प्ले होते थे, सेट लगा के रियलिस्टिक फॉर्म में, बहुत ही सीधे साधे नरेटिव फॉर्म के जो प्ले होते थे उस तरह के प्ले होते थे। लेकिन 80s जब हमने करना शुरू किया 80s में, तो 80s के खत्म होने तक यानी 90s के बिगिनिंग में थोड़ा सा एक नई न्यू वेव थिएटर में आई थी, थर्ड थिएटर फॉर्म जिसको एक्सपेरिमेंटल प्लेस भी कहा जाने लगा, जो बादल सरकार का दिया हुआ फॉर्म एक फॉर्म था, जो स्ट्रीट प्ले फॉर्म से थोड़ा सा मिलता जुलता था जी। तो वो जो न्यू वेव एक आई स्टेज पे, उसने हमको बहुत इम्प्रेस किया। उसमें ये होता था कि आर्टिस्ट सब, एक्टर सब एक ही जैसे ड्रेस में हैं, कोई सेट नहीं होता था, स्क्रिप्ट होती थी बहुत अच्छी एकदम मंजी हुई, और एक्टर्स का पूरा एक क्राउड होता था। तो उसमें उस फॉर्म में मेरा प्ले बहुत मशहूर हुआ था, जलियांवाला बाग 80s। अच्छा, ओके। हाँ, जिसको बाद में नेशनल अवार्ड भी मिला उसी प्ले को। तो मैंने उस फॉर्म में, बादल दा के जो थर्ड थिएटर का फॉर्म था, उस फॉर्म में मैंने वो प्ले किया था। तो ये चेंज आया बाद में, मतलब रियलिस्टिक से हटके ये थर्ड थिएटर फॉर्म आया। फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे थिएटर में, बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, फिर दो आर्टिस्टों के प्ले होने लगे,
फिर लेटर रीडिंग का एक फॉर्म आया थिएटर में, लेटर्स पढ़ के, जो तुम्हारी अमृता एक प्ले बहुत फेमस हुआ है जावेद सिद्दीकी साहब का लिखा हुआ, जिसमें शबाना आजमी और फारूक शेख ने काम किया था, तो लेटर रीडिंग का फॉर्म आया। फिर म्यूजिकल फॉर्म्स आए, हबीब तनवीर जो मेरे उस्ताद थे उनका फोक थिएटर का फॉर्म वो मैंने देखा, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स इन 40 वर्षों में मैंने देखे और मुझे अंदाजा हुआ कि आज यहां तक पहुंचते पहुंचते थिएटर बहुत चेंज हो गया है। थिएटर का मतलब उसकी शक्ल, उसकी सूरत, उसका प्रेजेंटेशन, उसकी टेक्निक बहुत सारी चेंज हो गई है। आज आज ये हाल है कि आज इतना थिएटर इतना रिच हो गया है दिलीप कि अगर आप, और मुझे इतना थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है 40 साल का, कि अगर आज तुम एक मेरे को न्यूज़पेपर दे दो, एक न्यूज़पेपर लाकर दे दो और तुम अगर उससे कहो कि सर इस पे ये जो हेडिंग्स हैं इतनी सारी इस पर प्ले करना है, तो मैं आपको एक घंटे में वो न्यूज की हेडिंग्स पर प्ले तैयार करके दे दूंगा। तो ये इसमें इसका इसमें कमाल मेरा नहीं है, कमाल ये है कि आज थिएटर को में जो टेक्निक्स आ रही है नई नई इस्तेमाल हो रही है, उसको कैसे स्टेज पर पेश करना है ये मैं जानता हूँ, वो टेक्निक मुझे मालूम है। तो इसीलिए अगर कोई मेरे को न्यूज रिपोर्ट भी लाकर अगर दे देगा और उसको कहेगा कि स्टेज करना है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से स्टेज कर सकते हैं। बीच में एक फॉर्म और आया सोलो प्ले का, मोनोलॉग का, सोलो परफॉर्मेंस का, मोनो एक्ट भी किए जाने लगे। हमने, तुम तो जानते हो, हमने मोनो एक्ट का कॉम्पिटिशन भी करवाया था, इसमें 150 से ज्यादा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया से 154 एंट्रीज आई थी जी। तो वो एक फॉर्म भी आ गया, लोग सोलो परफॉर्म भी करने लगे स्टेज पे अकेले, डेढ़ डेढ़ घंटे का। आशीष विद्यार्थी जी जो मशहूर एक्टर है, उन्होंने डेढ़ घंटे का सोलो परफॉर्मेंस दिया एकजुट के लिए, दयाशंकर की डायरी, दयाशंकर की डायरी के नाम से डेढ़ घंटे अकेले वो परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह सक्कू बाई नाम का एक प्ले भी होता है, एकजुट कराती है नादरा जी के हिदायत में, उनकी डायरेक्शन में, सक्कू बाई भी तकरीबन डेढ़ दो घंटे का सोलो परफॉर्मेंस है। तो ये भी एक नई टेक्निक थी, एक नया फॉर्म था थिएटर का। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि थिएटर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और थिएटर को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए यहां तक पहुंचना पड़ा है। फिल्मों से लड़के, टेलीविजन से लड़के, यहां तक थिएटर आज पहुंचा है कि थिएटर इतना रिच हो गया है कि आज आप जो चीज चाहें, जो आप खाली इमेजिन करें कि हमको ये थिएटर स्टेज पे बताना है, आप वो चीज बता सकते हैं। आज थिएटर में वो लिमिटेशंस नहीं रही है, आज वो उस तरह की लिमिटेशंस नहीं रही है कि अरे ये नहीं कर सकते स्टेज पे, वो नहीं कर सकते। आज जो चीज आप चाहें स्टेज पर पेश की जा सकती है, बस वो डायरेक्टर जो पेश करने वाला हो वो इतना एक्सपीरियंस हो, वो इतना जानता हो थिएटर के बारे में, थिएटर की बारीकियों के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि आज थिएटर तो बहुत ज्यादा रिच है आज के हालात में। करेक्ट। और सर, जैसे आपने एक बात कही बीच में कि लोग है ना फिल्मी स्ट्रगल में घुस जाते हैं ज्यादा और थिएटर में आते हैं, वैसे मुझे भी ऐसे लोग डेफिनेटली मिलते हैं, मुझे कॉल करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक नए एक्टर के लिए जो सीख रहा है, क्या उसको डायरेक्टली बंबई आ जाना चाहिए कि पहले इसको थिएटर करना चाहिए? क्योंकि मैं तो सजेस्ट करूँ पहले आप वहाँ पे थिएटर करो दो तीन साल, फिर कुछ आओ कंपेरेटिवली यहाँ ऐसे ही आने से ले। तो आपको क्या लगता है सर? मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे मिलते हैं। दिलीप तुम्हारी बात में आधी बात एकदम परफेक्ट है, सही है जी। जो तुम्हारी बात का 50% बात से मैं एकदम उससे वो एग्री करता हूँ जी। तुम्हारी बात ये है कि थिएटर यहाँ फिल्म में आने से पहले उनको थिएटर करके आना चाहिए, है ना, उसके बाद बॉम्बे में आना। और मेरा ये कहना है कि अगर आप बॉम्बे आते हैं फिल्म एक्टर बनने के लिए, तो यहाँ आके थिएटर करो ना। आप यहाँ आके बड़े सिटी में अगर आप थिएटर, देखो आप एक छोटे से गांव में अगर थिएटर कर रहे हैं तो आपको उसकी बहुत लिमिटेड चीजें मालूम पड़ेगी, लेकिन आप बड़े थिएटर में आके करते हैं तो आपका विजन बड़ा होगा, आपकी सोच बड़ी होगी, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पर बड़े थिएटर में, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में आके अगर आपने एक साल भी थिएटर किया, तो जितना कुछ आप सीखेंगे यहाँ पे, उतना आप अपने गांव में रह के 6 साल भी अगर काम करेंगे तो उतना नहीं सीख सकते। नहीं, नहीं तो सीख थिएटर तो करना। तो दिलीप टेकवानी मेरे दोस्त, मेरा तुम्हारी ये बात बिल्कुल सही है कि थिएटर तो मस्ट है जी। विदाउट थिएटर करे हुए आप ABCD एक्टिंग की ABCD भी नहीं जान सकते। अगर आपको फिल्म में भी जाना है, आपको टेलीविजन में जाना है, सीरीज करना है,
तो जब तक कि आपको एक्टिंग की बारीकियां नहीं मालूम होगी, आपको थिएटर की बारीकी नहीं मालूम होगी, आप कैसे एक्ट करेंगे वहां पे? आपको तो भगा दिया जाएगा, क्योंकि तुम जानते हो अच्छी तरह, तुम भी फिल्मों से जुड़े हो, सीरियल्स करते हो, कि वहां तो सारा खेल टाइमिंग का है। वहां थिएटर की तरह थोड़ी है कि भाई रिहर्सल हो रही है एक एक महीना, वहां तो उनको तो डेढ़ दिन में एपिसोड शूट करके निकालना है, एक दिन में एक एपिसोड निकालना है, या उनकी जो लिमिटेड टाइमिंग है जो उनको एक्टर्स की मिली उस लिमिटेड टाइम में शूट करना है। तो अगर आप एक्टिंग में परफेक्ट रहे तभी तो आप वहां पर कम समय में कम टाइम में आप अपना वहां टैलेंट बता सकेंगे। जी, अगर आपने एक लाइन बोलने के लिए पूरा दिन लगा दिया तो वो तो भगा देंगे आपको। एग्री, आई टोटली एग्री। यार ये एक लाइन नहीं, यस वो बोलेंगे एक लाइन नहीं बोल सकता ये बंदा, तो ये क्या आगे करेगा? तो इसलिए एक्टर को ना दिलीप मेरा ऐसा कहना है कि सेल्फ रियलाइजेशन बहुत जरूरी है, उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक्टर बन सकते हैं, ठीक है एक आप में एक वो पैदा हो गई है एक्टर बनने की, लेकिन क्या आप में एक्टर बनने की सलाहियत वो एबिलिटी मौजूद है? क्या आप में उतनी मेहनत करने का आप में जज्बा है? क्या आप में उतना स्ट्रगल, उतनी जो कहना चाहिए तैयारी करने का आपके पास शौक है? क्या आप थिएटर वर्कशॉप कर रहे हैं? क्या आप एक्टिंग के डिफरेंट स्कूल से वाकिफ हैं? कितने स्कूल से हैं? क्या आप एक्टिंग की बारीकियां जानते हैं? आप वॉइस मॉड्यूलेशन जानते हैं? आपको स्टेज पे खड़े रहने आता है? इतने सारे उसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। लोग क्या समझते हैं एक्टिंग बहुत आसान है, डायलॉग याद किए गए बोले डायलॉग बोल देंगे हम, रियल में भी क्या लाइन तो बोले। तो वो ये एक्टर जो है ना हमारे, इसको क्या बोलेंगे, स्विगी और जोमैटो की तरह समझने लगे यार। एक्टिंग उनके लिए जो है स्विगी और जोमैटो का डिलीवरी जैसा हो जाती है ना, 20 मिनट में खाने की, ऐसा समझ रहे हैं कि ये एक्टिंग भी स्विगी और जोमैटो जैसा कुछ है कि 20 मिनट में हमको आ जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। एक्टर्स को उतना तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने आप पे। कई बार तो सर मुझे लगता है 20 साल भी कम होते हैं सर सीखने के लिए एक्टिंग। बिल्कुल, यस एग्जैक्टली। अरे लास्ट आदमी तो लास्ट मोमेंट तक, नसीर भाई का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था नसीरुद्दीन शाह साहब का, उन्होंने तो कहा था कि मैं आज भी नए एक्टर्स जिनके साथ मैं काम करता हूँ स्टेज पे थिएटर में, मैं आज भी उन लोगों से सीखता हूँ, उनके बहुत सारे एक्शन से, उनके मूवमेंट से मैं खुद सीखता हूँ। तो ये, और मैंने नसीर भाई को देखा है कि आज भी, आज वो, आज उनको बताइए आप, वो तो एक कंप्लीट एक्टर है, ठीक है, चाहे थिएटर हो, फिल्म हो, टीवी हो, हर जगह उन्होंने अपना एक झंडा अदाकारी का गाड़ रखा है। लेकिन मैंने उनकी स्क्रिप्ट देखी है, आज भी अपनी स्क्रिप्ट पर होमवर्क करते हैं, आज भी वो तीन कलर की पेन इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी लाइन मुझे कितना फोर्स से बोलनी है, किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस करना है, किस वर्ड को हाई पिच पे बोलना है, किसको लो पिच पे बोलना है। तो आज भी वो अपनी स्क्रिप्ट पर इतना काम करते हैं आज नसीरुद्दीन शाह जी सारे। तो सोचिए हमारे नए एक्टर को कितना काम करना चाहिए अपने आप पर। आई एग्री सर, लर्निंग कभी रुकती नहीं है सर, कभी नहीं रुकती। एग्जैक्टली भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक्टिंग, सॉरी सर मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इतना चीज बताई आपने अभी थिएटर के बारे में, लेकिन अभी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अभी थिएटर जो अभी कोविड आ गया है, थिएटर के हिसाब से थोड़ा मतलब थिएटर में थोड़ा खतरा है थिएटर को अभी, क्योंकि अभी सब लोग OTT प्लेटफॉर्म, मतलब जितने भी फिल्में थी जो मूवीज आती, मूवी हॉल्स में आती थी, वो भी OTT पे आ रही है, तो अभी थिएटर हम कैसे क्या करेंगे? आपको क्या लग रहा है अभी, आपका कुछ प्लान है या फ्यूचर क्या लग रहा है आपको थिएटर का? दिलीप मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पैंडेमिक पीरियड आया है जी, ये थिएटर के लिए इंटरवल है, एंड नहीं है। अभी इसका इंटरवल हुआ है जी। तो जाहिर सी बात है इंटरवल बहुत ज्यादा देर का नहीं होता है ना, 10-15 मिनट का होता है, उसके बाद फिर रिफ्रेश होकर एक्टर स्टेज पे आ जाते हैं। तो ये भी मुझे लगता है ऐसा कि ये एक इंटरवल है जो आया है पीरियड, और थिएटर तो किसी भी दौर में यार, इससे बुरा दौर रहा है, इससे बुरा पीरियड, जिस जमाने में टेलीविजन आया था ना, आप यकीन मानो, पता नहीं तुम उस वक्त क्या उम्र होगी तुम्हारी, लेकिन जब नया नया टेलीविजन आया था तो उसकी सुनामी तो ये कोरोना से ज्यादा बुरी थी, कि लोग पूरे के पूरे सारे एक्टर टीवी की तरफ भाग गए थे थिएटर को छोड़ के जी। बहुत जबरदस्त सुनामी थी वो कोरोना से बड़ी महामारी थी उस वक्त, तो
कि लोग सब टेलीविजन की तरफ भाग रहे थे, थिएटर बेचारा यतीम लावारिस पड़ा हुआ था, कोई पूछता नहीं था, लेकिन उसके बाद भी थिएटर सरवाइव किया, थिएटर जिंदा रहा। इसी तरह थोड़ा सा और पीछे जाएं तो जब फिल्में आई थी ना, फिल्मों के आने से पहले थिएटर उरूज पे था, पारसी थिएटर और आगा अशर काश्मीरी और पृथ्वीराज कपूर, इनके ड्रामे जोरों पे चल रहे थे। लेकिन जैसे सिनेमा आया, सिनेमा ने सब गड़बड़ कर दिया पूरा, थिएटर वेटर सब खत्म होने को करीब आ गया। ये तकरीबन 150 साल पुरानी बात बता रहा हूँ जब सिनेमा आया था, तो लोग एकदम सिनेमा की तरफ भागे। एक नई चीज थी ना भाई सिनेमा उस वक्त, कि बोलती हुई फिल्में आई सामने, लोग चल रहे फिर रहे स्क्रीन पे, तब भी थिएटर को यही चैलेंज का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद भी तो मुझे बताओ, 150 साल के बाद थिएटर तो अपनी जगह है कि नहीं? ठीक है, फिल्में आ गई तो थिएटर आज भी जिंदा है, लोग आज भी थिएटर से जुड़ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आज अपनी फिल्मों का टाइम निकाल के, चाहे परेश रावल हो, नसीरुद्दीन शाह हो, या अपने अनुपम खेर हो, ये सारे लोग वक्त निकाल के आज भी थिएटर कर रहे हैं। थिएटर तो हर दौर में, इससे भी अगर पेंडेमिक का जो दौर है, अगर इससे भी खतरनाक दौर आता ना दिलीप, तो मेरा ऐसा मानना है कि थिएटर कभी खत्म नहीं हो सकता, थिएटर हर हाल में सर्वाइव करेगा, चाहे कितनी ही बुरी हालत हो जाए। हाँ, उसकी उसका रंग रूप बदल जाएगा, उसकी रूपरेखा बदल जाएगी। जैसे अभी ये हो रहा है कि ये इस पीरियड में लोग घरों में पैर दे तो ऑनलाइन थिएटर शुरू हो गया है, डिजिटल थिएटर जिसको हम कहते हैं, लोग डिजिटली, हाँ लोग डिजिटल परफॉर्म कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो एक सिलसिला शुरू हो गया है, तो वो भी ठीक है। कुछ ना करने से कम घर बैठे आप ऑडियंस तक पहुंच तो रहे हैं। हालांकि ये थिएटर का विकल्प नहीं है, ये थिएटर का विकल्प, उसका सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो थिएटर का लाइव मजा है परफॉर्मेंस का, वो ऑनलाइन या डिजिटल परफॉर्मेंस में नहीं है, वो मिसिंग है। लेकिन थिएटर वाले इतने क्या बोलते हैं जियाले हैं ना, कि वो बैठ नहीं सकते घर में यार, एक एक साल दो दो साल उनको एक्टर को कौन, हाँ तो उन्होंने अपना एक रास्ता निकाल लिया ऑनलाइन डिजिटल थिएटर का, वो ऑनलाइन अपना करने लग गए परफॉर्म, सोलो परफॉर्म कर रहे हैं, दो एक्टर मिलके परफॉर्म कर रहे हैं, तो थिएटर तो चल रहा है हर हाल में जी, तो वो कभी भी रुकेगा नहीं। तुम्हारा ये सवाल बहुत अच्छा है कि अगर वाकई ये सिलसिला दो साल चल गया और लंबा हो गया, खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे कि अगर ये कोरोना पीरियड ज्यादा बढ़ गया, अभी एक साल तो हम लोग निकाल चुके, अगर और ज्यादा बढ़ गया तब थिएटर वालों का क्या होगा, एक्टर्स का क्या होगा? तो मुझे लगता है थिएटर वालों ने अपना एक विकल्प ढूंढ लिया है, अपना एक सब्स्टिट्यूट ढूंढा है डिजिटल थिएटर की शक्ल में, वो इसको जारी रखेंगे, वो थिएटर डिजिटल थिएटर चलता रहेगा किसी भी हाल में, थिएटर बंद नहीं होगा, शक्ल सूरत बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा, लेकिन थिएटर हर हाल में होगा। ये तो मैं मानता हूँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग मीडियम है दिलीप थिएटर, कि इसको कोई दबा नहीं सकता, कोई भी महामारी कोरोना जैसी बीमारी थिएटर को दबा नहीं सकती। I agree. In fact, मैंने भी अपनी एक्टिंग की शुरुआत थिएटर से ही की थी, और इसमें अभी दो साल हो गए ऑलमोस्ट स्टेज पे नहीं गया हूं मैं, और एक जो इचिंग होता है, इच होता है, इसको हिंदी में खुजली कहते हैं, कि कभी हम स्टेज पे जाएंगे, कभी जाएंगे, लेकिन होपफुली यू नो बाय गॉड ग्रेस बहुत जल्दी जाएंगे, होपफुली, बस उम्मीद पे तो सर एक्टर कायम रहता है हमेशा। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ही रहना चाहिए एक्टर, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि कितने भी बुरे हालात हो तो थिएटर तो होगा जरूर, एक्टिंग स्टेज पे होगी जरूर, लेकिन एक्टिंग के लिए, एक्टिंग के ब्रशअप के लिए दिलीप, मैं समझता हूँ थिएटर से अच्छा कोई फील्ड नहीं है, कोई मीडियम। अगर आप फिल्म कर रहे हो जरूर करिए, टेलीविजन कर रहे हो जरूर करिए, वेब सीरीज एक आ गया है समझो इस पीरियड का हमारे, वेब सीरीज आप करिए जरूर करिए, लेकिन थिएटर को नहीं भूलना चाहिए, उसकी तरफ पीट करके कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि थिएटर जो आपको सिखाता है ना, वो ना आपको फिल्म सिखा सकता है, ना आपको टेलीविजन सिखा सकता है, ना वेब सीरीज सिखाएगा। इसलिए कहा जाता है कि जब एक्टिंग एरिया, ऐसा अक्सर मैंने कई बार कहा है कि अगर आपका एक्टिंग कार्ड जीरो हो रहा हो, अगर आपका एक्टिंग कार्ड जीरो हो रहा हो, तो एक्टिंग के लिए थिएटर करके उसको रिफिल जरूर करवाइए, थिएटर करेंगे तभी वो रिफिल होगा, थिएटर से ही रिफिल होने वाला है आपका एक्टिंग कार्ड, वरना वो जीरो रहेगा।
1-0 रहेगा। और सर एक लास्ट क्वेश्चन ये इंटरव्यू का मैं पूछना चाहूंगा कि अभी कोविड के टाइम पे आप एक्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर कि अभी क्या करना चाहिए? मैं ये समझ गया कि प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए क्योंकि घर पे है प्रैक्टिस, और क्या करना चाहिए उनको आपको लगता है? ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए जैसे आपने बोला, कुछ शॉर्ट में मुझे बताएंगे क्वेश्चन? ये मुझसे कई लोगों ने पूछा दिलीप, तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं चाहूंगा कि मैं अपनी बात अपने एक्टर्स कम्युनिटी तक पहुंचाऊं, तुमने मुझे मौका दिया ये बोलने का, थैंक यू। एक्टर्स को देखो क्या होता है दिलीप मालूम है, जब वो थिएटर करने लगते हैं तो थिएटर से जब फिल्म में जाते हैं या टेलीविजन में जाते हैं तो बहुत बिजी हो जाते हैं, फिर उनके पास टाइम नहीं मिलता। छोटे मोटे रोल से ही लेकिन करने लगते हैं तो उनके पास रीडिंग का टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, थिएटर के बारे में, एक्टिंग के बारे में, जो थ्योरी होती है ना वो थ्योरी पढ़ने का उनके पास वक्त टाइम नहीं रहता है। ये पीरियड जो है ना पेंडेमिक का, ये कोरोना जो काल है, इस पीरियड में अगर एक्टर घर में बैठा है, काम नहीं है उसके पास, थिएटर नहीं कर रहा है, फिल्म नहीं कर रहा है, तो उसको थ्योरी करना चाहिए, थ्योरी पढ़ना चाहिए, थिएटर के बारे में पढ़ना चाहिए। एंशियंट थिएटर क्या था, मॉडर्न थिएटर क्या था, थ्योरी एक्टिंग की कितने स्कूल्स हैं, एक्टिंग की कितनी किस्में हैं, ये सारी थ्योरी ऑनलाइन अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सब मिलता है आपको, यूट्यूब पे सर्च करें तो बहुत सारी चीजें आपको मिलती है। तो एक्टर को घर में बैठकर कम से कम अपने आप को इतना अपडेट कर लेना चाहिए इस बारे में कि जब वो निकले बाहर प्रैक्टिकल करने के लिए तो बहुत सारी नॉलेज उनको पहले से हो सके। तो ये एक टाइम उनको कुदरत ने दिया है, ये भगवान ने उनको ये समय दिया है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह से कि वो ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़े, ज्यादा से ज्यादा ड्रामे पढ़े, जो मशहूर ड्रामे हैं शेक्सपियर के, बर्नार्ड शॉ के, विजय तेंदुलकर के, इन ये सारे ड्रामे हमारे जो क्लासिक ड्रामे हैं वो ड्रामे पढ़े, ड्रामों पर बुक्स पढ़े, एक्टिंग पर जो है बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वो किताबें पढ़ना चाहिए। तो कम से कम थ्योरी का काम हम घर बैठे वो तो कर सकते हैं। और एक ये तो एक बात हुई, ये काम हो सकता है। फिर उसको और ज्यादा ब्रशअप करने के लिए, और ज्यादा अपडेट करने के लिए आप सोलो परफॉर्मेंस करें, घर में बनाएं जी, वीडियो लगा के, मोबाइल लगाकर आप अपना एक सोलो 5 मिनट का, 10 मिनट का एक सोलो तैयार करिए अपना, कोई भी छोटी सी स्क्रिप्ट लेके, कहानी लेके, कोई भी आप वो घर में तैयार करिए, उसके उसको अपलोड करते रहिए, यूट्यूब पर डालते रहिए, तो आप कहीं ना कहीं मतलब आपका एक क्या कहें प्रोसेस चलता रहेगा, आपकी एक्टिंग का, थिएटर से जुड़े रहने का एक प्रोसेस चलता रहेगा, बंद नहीं होगा, आपके अंदर कहीं दीमक नहीं लगेगी। आप जो है वो ये बोलेंगे यार मैं घर बैठे बैठे सब भूलता जा रहा हूं, तो आप मोनोलॉग जो है, मोनो एक्ट जिसको हम कहते हैं, वो शूट करें, 5-5 मिनट के डालें आप, जैसे तुम कर रहे हो अभी दिलीप, मैं तुम्हारी मिसाल ही देना चाहूंगा, तुम थिएटर के बंदे हो, तुम एक्टर हो, तुमने कैडेंस ग्रुप के साथ भी काम किया है काफी, थिएटर का बहुत एक्सपीरियंस लिया है तुमने, प्ले लिखे, डायरेक्ट भी किए, अभी तुमको ये इस पीरियड में अपने आप को बिजी रखा, तुमने तुम पॉडकास्ट बना रहे हो, ठीक है, तुम छोटे छोटे एड फिल्में कर रहे हो, तुम छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हो, तो तुमने खुद को अपने आप को ब्रशअप करने के लिए बिजी रखा है ना। तो ऐसा हर एक्टर को ये काम करना चाहिए कि अपने आप को बिजी रखने के लिए थ्योरी भी पढ़ते रहे, बुक्स पढ़ते रहे, एक्टिंग की, परफॉर्मेंस की, ड्रामों की, और साथ में छोटे छोटे अपने वीडियोस बना बना के अपलोड करें एक्टिंग के, ताकि खुद वो जब देखें, हाँ जब वो देखें खुद अपना परफॉर्मेंस, उनको पता चले, जज कर सके कि यार हमने क्या किया, हमने कैसा किया था, कहाँ गलती की थी, कहाँ मिस्टेक की थी, ऐसा ये मेरे सजेशन है। आपको यकीन होगा कि नहीं, क्योंकि अभी मैं देखो पॉडकास्ट शुरू में उठ नहीं सकता, लेकिन जो भी मेरे पीछे जो मेरा बेड है, मेरी आधी आधा बेड जो है मेरी किताबों से भरा हुआ है और नोट से भरा हुआ है, तो वही करते हैं हम, वही करना पड़ता है सर, अभी जो घर पे है लॉकडाउन है, चलो थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम, हर एक्टर को यही करना चाहिए। अग्री सर। सो एक बार सर थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया हमें मेरे पॉडकास्ट के लिए। दिलीप बेटा थैंक यू वेरी मच, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मुझे इतना बोलने का मौका दिया, और एक्टर्स को थोड़ी अपनी बात में पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा था, तुमने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत दिनों से सोच ही रहा था कि मैं कुछ एक्टर से अपने बात करूं, उनको कुछ किसी तरह का गाइडेंस दूं,
कि वो ये इस पीरियड में खास तौर से वो क्या करें। तुमने बहुत अच्छा आखिरी सवाल जो किया, तो मुझे अगर लगता है कि मेरी इन बात से अगर 2-4-5 एक्टर भी उन्होंने बात को समझ लिया और उन्होंने अच्छी तैयारी की, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जो आज का अपना हमारा ये इंटरव्यू जो है बेकार नहीं जाएगा। 5 एक्टर ने भी अगर इस बात को मान लिया और घर में तैयारी कर ली, तो हम जो है वो काफी कामयाब रहेंगे। एक्टर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चलिए प्रैक्टिस कीजिए, घर पे है, ये मौका दिया है कुदरत ने आपको, प्रैक्टिस करने का। बिल्कुल, प्रैक्टिस कीजिए, अपलोड कीजिए, दोस्तों को दिखाइए, अपने गुरु को दिखाइए कैसे कर रहे हैं आप। सो थैंक यू सर, थैंक यू इकबाल सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक यू। और सर रमजान मुबारक आपको भी, आपको आपको भी मुबारक, आप लोगों को। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Take care, sir. Bye-bye. Thank you.